कल हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, याद है? जो पहला प्रॉपर्टी था रिमझिम, हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या था? एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ओमेगा है, ये रिमझिम के लिए सवाल है रिमझिम, तो एक्स ए टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता था रिमझिम? रिमझिम सुनील, सुनील सुनील, एक्सपी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है, तो एक्स एटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा सुनील? वेरी गुड, वन बाय मोड है कैपिटल एक्स ओमेगा बाय ए। ये क्वेश्चन सभी लोग आप लोग अभी फाइंड करिए, और आपका क्वेश्चन है के पावर माइनस टू मोड थ्री टी यू टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करके बताइए। बोर्ड विजिबल है? बोर्ड विजिबल, चलिए संजीत फाइंड करिए, ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना, और यहां तक कि गेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन में इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? आप लोग इस पे जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सवाल मिल सके, उतना ज्यादा से ज्यादा इस पे सवाल प्रैक्टिस करिए। रुचि, रुचि मैंने, हाँ, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये कल हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, ये प्रॉपर्टी आप थी क्लास में। एक्स टी का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ ओमेगा, तो एक्स ऑफ ए टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा रुचि? रिमझिम, वन बाय मोड एक्स ओमेगा बाई ए। चलिए, और ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ये इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है प्रेमजी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिनका हो जाएगा वो बताएंगे। संजीत, संजीत बहुत टाइम लग रहा है। एक्स ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा क्या है? नहीं, गलत जवाब है संजीव, गलत गलत जवाब है संजीव, ये तो ऑप्शन में भी नहीं रहेगा आपके, अगर ये ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा तो। सुनील, ये थोड़ा हल्का इसमें कॉन्सेप्ट है, हल्का दिमाग लगाइए। रुचि, रुचि बन रहा है ये सवाल? टू बाई नाइन कैसे बोल रहे हैं आप? देखिए, इस तरह के सवाल को प्रोसीड कैसे करेंगे, ठीक है? आप फॉर्मूला जानते हैं आप सभी लोग, टी के पावर माइनस ए मोड टी यूटी का, इसका फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं आप लोग? रिमझिम, रिमझिम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर क्या हो जाएगा? रिमझिम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर क्या हो जाएगा? नहीं। रुचि, रुचि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर क्या होगा?
अरे बाबू यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो लास्ट फॉर्मूला यही है ना, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2a/a² + ω²। ठीक है, अब इसको अब आप देखिए यहाँ पे अंदर में क्या आ गया है, अंदर में कोई एक कांस्टेंट आ गया है 3, देख रही हैं यहाँ पे कांस्टेंट आ गया है 3, विजिबल है आप लोगों को ये कांस्टेंट। अब ये प्रॉपर्टी यूज करिए संजीव, तो आप इसमें क्या करना है, 3 को आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, अगर यहाँ पे 3 नहीं रहता सुनील तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर क्या होता, अगर 3 नहीं रहता सुनील 2 into a का वैल्यू है 2/a² मतलब 2 + ω² ये क्या हो गया 4/4 + ω² अगर 3 नहीं रहता तो ये होता फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। ओके अभी क्या है यहाँ पे 3 आ गया है मतलब आप xt से वो क्या बन गया है xat बन गया है, तो इसमें आप क्या जहां जहां ओमेगा है उसको ω/a से रिप्लेस कर देंगे। ओके तो यहां और a का वैल्यू क्या होगा यहां 3, तो यहां ओमेगा है तो इसको ω/a से रिप्लेस कर दीजिए और बाहर किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3। ये समझे आप लोग, रुचि ये क्लियर है ये कॉन्सेप्ट अभी, रिमझिम 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 म्यूट हो गई हैं संजीत। कोई बात नहीं कोई बात नहीं संजीत। हाँ वही वही चलिए अब आगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी लोगों को, ये हमारा हमारा पहला प्रॉपर्टी था। अब दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, ये हम लोग ये कल भी देख चुके हैं, एक्स ऑफ टी का अगर है हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर एक्स ऑफ ओमेगा, तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर हो जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा इंटू e^(-j ω t0)-j ω t0) से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन आपको है, ये क्वेश्चन है आपका, आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है u ऑफ t-2 का, ये क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्ड विजिबल है सुनील, आपको निकालना है फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर u ऑफ t-2 का, सॉल्व करिए सभी लोग इसको, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। रुचि रुचि आंसर बताइए, नहीं बनाइए संजीत संजीत आंसर e^(-2j ω), ये टी नॉट है ना। अब देखिए अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं, अगर यहां पर 2 नहीं होता तो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता 1/j ω, अगर 2 नहीं होता तो होता 1/j ω। अब ये शिफ्टिंग कितने से हुआ है, 2 यूनिट शिफ्ट हो गया है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा e^(-j ω 2 या फिर j 2
टू ओमेगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलिए, ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था। हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है, इसकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग। अगला हमारा प्रॉपर्टी है वो है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन। ये देखिए क्या होता है, एक्स टी का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपका एक्स ऑफ ओमेगा, तो एक्स टी इंटू ई पे पावर जी ओमेगा नॉट टी। ये ध्यान से देखिए, एक्स टी अब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ई पे पावर जे ओमेगा नॉट टी से। तो यहां पे जो हो जाएगा अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये होगा एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। यहां पे देखिए, यहां पे प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पे माइनस ओमेगा हो रहा है, देख रहे हैं? ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे प्लस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे ये एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बन रहा है। रुचि, ये क्लियर है रुचि? यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो शिफ्ट माइनस से हो रहा है। अब आप लोग क्वेश्चन बनाइए, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर फाइंड करिए, ई पे पावर जे ओमेगा नॉट टी का इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर फाइंड करके बताइए, ई पे पावर जे ओमेगा नॉट टी का। सुनील, सुनील ये देखते के साथ बोल देना था आपको, ये है कि 7+7 कितना है, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है 7+7। बताइए, अब यहां से मैं एक चीज प्रूव भी करूंगा अभी। बताइए संजीत, बोलिए आंसर, बोलिए। ओहो संजीत, आप थीम को मिस कर रहे हैं। जो थीम है ना, जो निचोर है इस प्रॉपर्टी का, वो निचोर मिस कर रहे हैं आप। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, जो ऊपर दो प्रॉपर्टी लिखाया है मैंने, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन भी दिया है मैंने अभी। हाँ तो क्या होगा, एक से वेट, सुनील वेट, हाँ संजीत, तो शिफ्टिंग कैसे होगा संजीत? हाँ बोलिए बोलिए, क्या होगा शिफ्टिंग के बाद? ये, अरे ये तो मैं एग्जांपल दिया हूँ संजीत, देखिए। हाँ सुनील बोलिए, आप सुनील, ठीक है अगर मैंने क्या बताया, मल्टीप्लीकेशन, अगर केवल वन रहता तो क्या होता संजीत? केवल वन रहता तो फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर क्या निकलता वन का? संजीत केवल वन रहता तो टू पाई डेल ओमेगा। अब ये प्रॉपर्टी देखिए, ये कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो ई पे पावर जी ओमेगा नॉट टी से, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंशियल से, तो ओमेगा क्या में चेंज हो रहा है? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट में, तो ये हो जाएगा टू पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ई पे पावर जी ओमेगा नॉट टी का। संजीत ये मैं क्या बताया, कोई फंक्शन एक्स टी अगर e पे पावर जी ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई हो तो उसका क्या बनेगा? एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट।
सुनील, ये चीज क्लियर है सुनील? रुचि? बिल्कुल, पहले पहले भी जो मैंने निकाला था ये लाइन अगर आप देखते होंगे तो ये तो सेम ही चीज है ना, ये वही चीज है। इसमें क्या है, कोई फंक्शन को ये वन है, आप देखिए वन में ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस ये दोनों फर्स्ट लाइन और ये लाइन देखिए, वन में ई से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आ गया। ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? ओके, बढ़े अगले प्रॉपर्टी पे। ये प्रॉपर्टी से एक सवाल आपके सेमेस्टर में जरूर रहेगा, और कोई बच्चे अगर कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं जेई लेवल का, तो आप तो मतलब इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। एक्सटी का, हाँ सुनील बोलिए। मैंने 5 का भी क्वेश्चन दिया था ना, 5 का क्या होता है, तो 5 का हो जाएगा 10 पाई डेल ओमेगा। ओके ठीक है, अभी अगला है हमारा एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर एक्स ओमेगा है तो आपके लिए उसके डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसके डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जे ओमेगा एक्स ओमेगा। मतलब वो क्या हो जाएगा, उसके डेरिवेटिव के फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, उसमें जी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके उसके डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, हम लोग जी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज समझ रहे हैं, डेरिवेटिव इधर तो जी ओमेगा से मल्टीप्लाई उधर। सुनील, सुनील क्लियर? अच्छा आपको ये पता है यूनिट स्टेप का डेरिवेटिव क्या होता है? एक चीज आप सब लोग को ध्यान रखिए, पहला फंक्शन क्या हमने पढ़ा था, इंपल्स, इंपल्स के बाद आता है यूनिट स्टेप, यूनिट स्टेप के बाद आता है रैंप। रैंप हालांकि मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन रैंप एक फंक्शन है वो जान लीजिए। इंपल्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे तो यूनिट स्टेप मिलेगा, और यूनिट स्टेप को इंटीग्रेट करेंगे तो रैंप मिलेगा। इंपल्स, यूनिट स्टेप, रैंप, और रैंप को डेरिवेटिव करिएगा तो यूनिट स्टेप, यूनिट स्टेप को डेरिवेटिव करिएगा तो इंपल्स। ये लिख लीजिए इंपल्स, यूनिट स्टेप, रैंप। ये था हमारा अगला प्रॉपर्टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पे कितने लोग बीटेक करना चाहते हैं बताएंगे? बीटेक कोई बच्चे? संजीव, सुनील बीटेक करना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर्टी तो केवल मतलब सभी के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये हमारा प्रॉपर्टी क्या है, कोई फंक्शन है एक्स टी, उसका आपको ये बहुत ध्यान से देखिए सभी लोग, ये अब तक का सबसे कॉन्सेप्चुअल चीज है सिग्नल सिस्टम का, और इससे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज आपको सिग्नल सिस्टम में मिलेगा ही नहीं। अगर आप ये समझ जाइएगा तो पूरा सिग्नल सिस्टम समझ जाइएगा। एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हो रहा है कैपिटल एक्स ऑफ एफ, एफ जान रहे हैं ना, एक्स और ओमेगा, एफ और ओमेगा में क्या रिलेशन है पता है सभी लोगों को? एक्स टी का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक्स ऑफ एफ कैपिटल एक्स, तो आपसे पूछा गया कैपिटल एक्स ऑफ, कैपिटल एक्स ऑफ टी, कैपिटल एक्स ऑफ टी
का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा स्मॉल एक्स और उसका माइनस एफ। ये चीज समझिए, ये चीज पहले लिख लीजिए आप लोग, इसके बाद मैं इस पे सॉल्यूशन अभी एक करवाता हूं। ये है, मैंने लिखा है अगर स्मॉल एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ एफ तो कैपिटल एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एक्स ऑफ माइनस एफ। अब इसका मतलब क्या है आप लोग देखिए, ये लिख लिए सभी लोगों ने, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म वन बाय वन प्लस जे टू पाई टी। इस क्वेश्चन को उतारिए आप लोग, लिखिए लिख लिया क्वेश्चन। अभी देखिए ये कहता है, ये किसी फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरह मिलता जुलता दिख रहा है आपको, किसी और के फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर की तरह। संजीत किस फोरियर ट्रांसफॉर्म के मिलता जुलता ये दिख रहा है? डेल्टा ओमेगा है संजीत, वन बाय ए प्लस डी ओमेगा की तरह ये मिलता नहीं दिख रहा है, वन बाय ए प्लस डी ओमेगा के समथिंग की तरफ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे अगर होता ई के पावर माइनस ए टी तो उसको क्या लिखते, वन बाय वन प्लस डी ओमेगा नहीं लिखते, वन बाय ये लिखते हम लोग, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये लिखते कि नहीं संजीव? अभी देखिए ओमेगा को क्या लिखते हैं, टू पाई एफ ये होता। अभी देखिए आपको निकालना किसका है, टी, इस एफ को एफ से क्या रिप्लेस हो रहा है, टी से रिप्लेस हो रहा है, जैसे हमने ऊपर बताया था F किससे से रिप्लेस हो रहा है, T से, ठीक है। तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा सुनील, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, स्मॉल x ऑफ माइनस एफ, मतलब जहां पे आपका T है वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस एफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा e पे पावर माइनस a और t के जगह लिखेंगे माइनस एफ, तो ये हो गया e पे पावर ए एफ। ये चीज समझे कि नहीं अभी आप लोग? ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे है, इसको समझिए। इसमें क्या कह रहे हैं, अगर हम कैपिटल एक्स टी को रिप्लेस करते हैं स्मॉल कैपिटल एक्स एफ से तो हमारा जो टी है वहां पे रिप्लेस हो जाएगा माइनस एफ, जहां जहां टी है वहां वहां आ जाएगा माइनस एफ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये थोड़ा थोड़ा इसमें डाउट होगा। हाँ संजीत, संजीत टी एफ से रिप्लेस हुआ, ये फॉर्मूला है संजीत, ये फॉर्मूला है, टी रिप्लेस होगा तो टी के जगह यही कह रहा है संजीत, जहां जहां टी है वहां वहां आपको डालना है माइनस एफ, तो यहाँ पे टी के जगह हमने क्या डाल दिया, माइनस एफ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये मैं इस पे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी कम से कम 10 क्वेश्चन मैं दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, फिर आपको थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डुअलिटी प्रॉपर्टी, इसको बोला जाता है डुअलिटी प्रॉपर्टी। ये लिख लीजिए
और इसके बारे में आप लोग परेशान मत होइए, मैं इस पे 10 क्वेश्चन अभी आपके ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है। ये बस प्रॉपर्टी लिखिए और ये क्वेश्चन लिखिए कि आपके माइंड में रहेगा कि मैंने कैसे किया था, बस मैंने ये कर दिया था। जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा हो देखिए कि वो किसके फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर की तरह मिलता जुलता है, जिसके फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर से वो मिलता जुलता रहे उससे क्या कर देंगे, उसको टी के जगह हम लोग क्या ले आएंगे, माइनस एफ। आप ये क्वेश्चन है रुचि, रुचि रुचि इसका जवाब आप दीजिए। रुचि ये सभी लोग सॉल्व करिए, सबसे पहले इसका आंसर देंगे रुचि, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर क्या होगा रुचि, सुनील सुनील क्वेश्चन क्लियर है ना, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर निकालना है, ठीक है। आप लोग देख इसको बनाइए, फिर मैं अभी स्टेप बताऊंगा इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। रुचि आंसर आएगा तो बताइएगा, रुचि कुछ आया आंसर निकला, रुचि सबसे पहले ये आपका काम है कि ये देखिए कि ये इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर से मिलता जुलता है, 2 बाई j पाई j 2 पाई किसके से मिलता जुलता है, किसके फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर से मिलता जुलता है रुचि, हाँ सिग्नम से। अभी देखिए रुचि, अब यहां पे आप मेरे आप समझ गई कि किससे मिलता जुलता है, बस उसको लिखिए सिग्नम टी, सिग्नम टी का क्या होता है रुचि फोरियर पेयर, एसपीपी क्या होता है सिग्नम टी का, 2 बाई j ओमेगा। अब यहां पे मतलब होगा ओमेगा को लिख सकती है 2 पाई f। अभी देखिए यहां पे f किससे रिप्लेस हो गया है रुचि, 2 बाई आपको निकालना है j 2 पाई t, f रिप्लेस हो गया है t से, ओके। तो इस t को आप किससे रिप्लेस कर दीजिएगा रुचि, माइनस f से, तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर हो गया सिग्नम माइनस एफ, सिग्नम माइनस एफ इसका पेयर है। सुनील सुनील आपका आंसर ये आया था सिग्नम माइनस एफ, संजीत ये था माइनस सिग्नम माइनस एफ, संजीत आपका आंसर। चलिए ये ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी क्लियर है सभी लोगों को, ये चीज क्लियर है, हाँ संजीव संजीव बोलिए संजीव,
वन कॉन्स्टेंट का होगा वो आपको सबसे ज्यादा नियरेस्ट जाना है, ठीक है? सबसे ज्यादा नियरेस्ट किसका है संजीव? सिग्नम थी, ठीक है? तो सबसे नियरेस्ट जाना है, तो आप चेक करिएगा कि सबसे नियरेस्ट किसमें है संजीत, ठीक है? जैसे वन का क्या होता है, टू पाई डेल ओमेगा, तो आपके ध्यान में एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन डेल माइनस ओमेगा है, तो सबसे नजदीक किसके है संजीत, समझे? ये करना पड़ेगा आपको, आपको थोड़ा ज्यादा इस पे फोकस करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन बनाए इस पे रुचि, चलिए ये क्वेश्चन आप रुचि बता दीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रुचि के लिए है, सभी लोग बनाइए, बाकी ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे रुचि। ये कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा ना, तो आपको सिग्नल पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, आप फिजिकली चीजों को रियलाइज कर पाइएगा, मतलब दिमाग में अपने, हाँ वो कोसाइन सिग्नल है, वो इम्पल्स है, ये इसका ड्यूअल पेयर है, ये ऑड सिग्नल है, ये इवन सिग्नल है, ये आप लोग माइंड में इसको देख पाइएगा। मतलब जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं वन देखता हूँ ना, तो मुझे वन जब देखता हूँ तो मुझे ये ग्राफ दिखाई देता है इस तरह का, बस आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है, और तो और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रुचि, रुचि आंसर, रुचि फिर गलती कर दी आप, मैं क्या बोला हूं, सबसे नियरेस्ट जाना है, वेरी गुड, यू माइनस एफ होगा। सुनील, रुचि थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करिएगा और, ठीक है? अब एक और नया टॉपिक आज हम देखेंगे, वो है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। क्या है एनर्जी? कोई सिग्नल हम बहुत डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, इवन ऑड, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, और आज एक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। एक मिनट वेट करिए आप लोग, एक और डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, एनर्जी एंड पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्या सवाल आएगा ना, किस तरह के सवाल आते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा आज, ठीक? देखिए, अगर बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को, ठीक है? अभी देखिए, कोई सिग्नल को एनर्जी सिग्नल कब कहेंगे? एनर्जी सिग्नल कहेंगे जब उसका एनर्जी फाइनाइट हो। एनर्जी क्या हो? फाइनाइट हो, किसी सिग्नल का एनर्जी फाइनाइट हो तो उसको बोलेंगे एनर्जी सिग्नल, और किसी सिग्नल का पावर फाइनाइट हो तो उसको बोलेंगे पावर सिग्नल, ठीक है? ये बस इसका डेफिनेशन है। अगर एनर्जी फाइनाइट है तो एनर्जी सिग्नल, पावर फाइनाइट है तो पावर सिग्नल, और कोई भी सिग्नल ऐसा नहीं है जो एनर्जी और पावर दोनों हो जाए, ओके? कोई सिग्नल ऐसा नहीं हो सकता है कि एनर्जी भी हो और पावर भी हो, ओके? ठीक है, अब एक है, एक यहां पे पॉइंट है आपको, पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल, पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल का जो पावर होता है
वो होता है जीरो, और दूसरा है एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल। पावर सिग्नल का जो एनर्जी होता है वो होता है इंफिनिटी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, एनर्जी सिग्नल, पावर जो होता है एनर्जी सिग्नल का वो जीरो है, और एनर्जी जो है पावर सिग्नल का वो क्या है, इनफाइनाइट है। इसको लिख लीजिए आप लोग सभी लोग। कोई सिग्नल ऐसा नहीं है जो एनर्जी सिग्नल भी हो और पावर सिग्नल भी हो। इसको लिखिए, लिख लिया सभी लोगों ने। ओके, अब यहां पे एक आपको कॉन्सेप्ट आता है कि एनर्जी कितना होता है, पावर कितना होता है। ओके, तो जो किसी भी सिग्नल का एनर्जी होता है, एनर्जी होता है वो होता है एक्स टी का, हम निकाल रहे हैं तो वो होगा माइनस टी से टी, उसका जो रेंज हो, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, माइनस टी से टी एक्स स्क्वायर टी डी टी। इनर्जी किसी सिग्नल का क्या होता है, ये रेंज, उसके रेंज में एक्स स्क्वायर टी डी टी, और किसी सिग्नल का पावर होता है, ये होता है वन बाई टी, उसके रेंज में एक्स स्क्वायर टी डी टी। ओके, इसको लिख लीजिए। ये एनर्जी, किसी सिग्नल का एनर्जी क्या होगा, किसी सिग्नल का पावर क्या होगा। ओके, चलिए अब यहां से एक और आपको यहां आपको ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया है, आप एक चीज याद कर लीजिएगा, ईपी जीरो। ईपी जीरो मतलब एनर्जी सिग्नल का पावर क्या है, सॉरी पीई जीरो, पीई जीरो पावर सिग्नल का एनर्जी जीरो, और उल्टा कर दीजिएगा तो इनफाइनाइट, पीई जीरो। पर आपके आपके कोर्स को बोला जाता है पीई, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, तो याद रखिए पीई जीरो। पीई जीरो मतलब पावर सिग्नल का एनर्जी जीरो। ओके, एनर्जी सिग्नल का पावर, हाँ, पी जीरो, ये एनर्जी फॉर्मूला हो गया, ये पावर का फॉर्मूला हो गया। और यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है पार्सिवल थ्योरम, पार्सिवल थ्योरम। पार्सिवल थ्योरम कुछ नहीं है, पार्सिवल थ्योरम कहता है कि किसी भी सिग्नल का जो एनर्जी होता है, किसी भी सिग्नल का एनर्जी होता है, इसका वैल्यू होता है 1/2 π माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मोड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा। किसी भी सिग्नल का जो एनर्जी होता है वो होता है 1/2 π इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ओमेगा मोड का होल स्क्वायर डी ओमेगा। एक्स ओमेगा क्या है यहां पे सुनील, एक्स ओमेगा क्या है, एक्स ओमेगा क्या है यहां पे, एक्स ओमेगा उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है किसी भी सिग्नल का सुनील, एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है। ये आपका है पार्सिवल थ्योरम। व्हाट इज पार्सिवल थ्योरम, पार्सिवल थ्योरम से दैट एनर्जी ऑफ एनी सिग्नल एक्स टी, किसी सिग्नल एक्स टी का एनर्जी होगा 1/2 π इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मोड एक्स ओमेगा होल स्क्वायर डी ओमेगा, वेयर एक्स ओमेगा इज फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर ऑफ एक्स टी। ओके ओके, अब एक और यहाँ पे हमें एक और आपका ये क्वेश्चन बनता है, वो देखिए।
सपोज करिए हम आउटपुट को लिख रहे हैं, आउटपुट को लिख रहे हैं हम yt, yt से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट, और इनपुट हमारा है, इनपुट से रिप्रेजेंट, इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं xt से, आउटपुट है yt, इनपुट है xt, ठीक है। अब पहला केस देखिए, पहला केस देखिए, जो हमारा yt है ये क्या हमें मिल रहा है, x t माइनस टू प्लस x t माइनस टू, इसका मतलब क्या होगा कोई बता सकते हैं, y t इक्वल टू x t माइनस टू, हाँ नहीं, इसका मतलब है, हाँ बिल्कुल आपने सही बोला है संजीत, मैं सुनील, मैं अपने लैंग्वेज में बताता हूँ, जो आउटपुट मिल रहा है y t ये क्या है, सपोज करिए ये समय है, ये अभी समय क्या है 4 बजे, सपोज करिए t का मतलब है 4 बजे, t 4 बजे आपको क्या मिलेगा, तो जो मिलेगा जो x का इनपुट रहेगा 4 माइनस 2 2 बजे, इसके मतलब को ऐसे समझिए, मतलब आउटपुट क्या मिलेगा, जो 4 बजे आप आउटपुट खोजिएगा तो 2 बजे जो इनपुट होगा वो 4 बजे आउटपुट मिलेगा, मतलब आपको पिछला ही पिछला चीज मिल रहा है, पहले का चीज मिल रहा है, आपका आउटपुट किस पे, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है आउटपुट संजीत, आउटपुट अगर पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करे तो वैसे सिस्टम को हम बोलते हैं काउजल सिस्टम, व्हाट इज काउजल सिस्टम, काउजल सिस्टम वैसे सिस्टम होते हैं जिसका आउटपुट पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है, ओके संजीत, रुचि ये क्लियर है, रुचि अगर आउटपुट पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करे तो उसको हम लोग बोलेंगे काउजल सिस्टम, ओके। अब दूसरा है नॉन काउजल, नॉन काउजल, नॉन काउजल कहता है कि अगर आउटपुट पास्ट पे भी डिपेंड करे और फ्यूचर पे भी डिपेंड करे, मतलब yt क्या होता है x ऑफ t माइनस टू, ये पास्ट हो गया प्लस x ऑफ t प्लस वन, ये फ्यूचर हो गया, आउटपुट अगर पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड करे और फ्यूचर वैल्यू पे भी डिपेंड करे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन काउजल, रुचि व्हाट इज नॉन काउजल सिस्टम, yt नहीं, आप बोलिए आउटपुट, आउटपुट अगर पास्ट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं नॉन काउजल, आप ये एग्जांपल दे सकती हैं xt माइनस टू प्लस xt प्लस वन, ओके रुचि सुनील संजीत क्लियर, व्हाट इज काउजल व्हाट इज नॉन काउजल, और एक तीसरा हमारा आता है एंटी काउजल, एंटी काउजल, एंटी काउजल कहता है अगर आउटपुट केवल फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करे, आउटपुट जो है वो केवल फ्यूचर पे डिपेंड करे, x ऑफ t प्लस वन प्लस x ऑफ t प्लस टू, आउटपुट केवल फ्यूचर पे डिपेंड करे तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी काउजल, संजीव व्हाट इज एंटी काउजल सिस्टम, ओनली फ्यूचर तो क्या है एंटी काउजल, पास्ट और फ्यूचर दोनों है तो क्या है संजीत, नॉन काउजल, और केवल पास्ट है तो क्या है वो काउजल है, ये चीज क्लियर हो गया, और एग्जांपल आप लोग ऐसे ही दीजिएगा, जो एग्जांपल देना है ना ऐसे ही एग्जांपल दीजिएगा, जैसे मैं एग्जांपल दिया हूं वाई टी एक्स टी प्लस वन, ये फ्यूचर वैल्यू हो गया, ये पास्ट वैल्यू हो गया, ओके।
तो यहां से आपको ये जो दो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, पार्सिवल थ्योरम और ये काउजल नॉन काउजल एंटी काउजल, एक क्वेश्चन आता है आपको राइट अ शॉर्ट शॉर्ट नोट आता है ना 6 मार्क्स का, तो इन तीनों में से कोई एक जरूर पूछेगा या फिर पार्सिवल थ्योरम जरूर पूछेगा। क्लियर है? काउजल क्या है? केवल पास। नॉन काउजल क्या है? पास फ्यूचर दोनों। एंटी काउजल क्या है? केवल फ्यूचर। ओके ठीक है, चलिए तो आज हम क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। कोई डाउट आज के क्लास में? मैं ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्वेश्चन शेयर करूंगा, आप लोग उसको देखिएगा, बनाइएगा अभी। ओके चलिए ठीक है, क्लास कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।